संभल के बहजोई एवं नकासा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी। 3 अभियुक्तों से 66 बने एवं अधबने शस्त्र बरामद। श्रीवान पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद संभल में ऑपरेशन JCB के तहत अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 16 जून को नखासा एवं बहजोई थाना क्षेत्रों में उपवीर की सूचना पर छापा मारकर अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस ने 66 बने एवं अधबने हथियारों सहित कुल 78 कारतूस भी बरामद किए। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जनपद संभल की बहजोई एवं नखासा थाना क्षेत्रों की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारते 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र बनाते हुए दबोचा, जिनसे करीब 66 बने एवं अधबने हथियार बरामद किए तथा 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक की जा रही है। जनपद संभल में ऑपरेशन JCB के तहत अवैध शस्त्रों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अब तक आपसी विवाद में लोग अवैध शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे पर फायर करते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं या फायरआर्म इंजरी हो जा रही है। इसी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया है JCB अभियान, और इसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें आज 2 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 1 शस्त्र फैक्ट्री में 22 अवैध असले, दूसरे में 21 अवैध असले, और जो अभियान चल रहा है इसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। टोटल अभी तक 45 बने और 21 अधबने, कुल 66 अवैध असले पकड़े गए हैं, 66 अवैध असले पकड़े गए हैं, और इनके साथ जो अपराधी हैं लगातार ये शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं या शस्त्र यूज करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भी अपराधी लगातार पकड़े गए हैं। 3 मुख्य अपराधी अभी हैं जो शमसुल, यामीन और दिलशाद और मोहम्मद अकील, ये पकड़े गए हैं। इसमें से दिलशाद अभी फरार है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और लगातार जो शस्त्र यूज कर रहे हैं ऐसे कम से कम 15 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये सभी अपराधी पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है, अवैध शस्त्रों को पकड़ा जा रहा है, जिससे आपसी विवाद में अवैध शस्त्र प्रयोग न होने पर उसके अधीन ये कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक 67 अवैध असले और कम से कम 16 लोग पकड़े गए हैं। कहाँ बेचते ये लगातार क्षेत्र में बेच रहे थे सस्ते कट्टे और तमंचे और बंदूक जो है ये सस्ते दामों में 7,000, 6,000 और 15,000 रुपये में बेच देते थे और इसी से ये कमाई करते थे। लगातार ये ऐसी शस्त्र बना करके बेच बिक्री का कार्य कर रहे थे, जिसमें 12 बोर 6,000 रुपये में, 315 बोर 7,000 रुपये में, और जो बंदूक है वो 15,000 रुपये में बेचते थे, लगातार सप्लाई कर रहे थे। और ऐसा अभियान अभी लगातार चलता रहेगा, क्षेत्र में जो भी ऐसे अवैध असला बनाने वाले या उपयोग करने वाले हैं